हेलो एवरीवन कैसे हो सब लोग आज की क्लास में स्वागत है आज होने जा रही है इनकम टैक्स का रिविजन पार्ट फोर तो भाई आ, पिछले कुछ टाइम के अंदर हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस इंट्रोडक्शन सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम कर चुके हैं आज हम करने जा रहे हैं तीन टॉपिक अदर सोर्सेज क्लबिंग एंड सेट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को और इसमें भरपूर मार्क्स के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसीलिए इस चैप्टर इन तीनों चैप्टर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अदर सोर्सेज और क्लबिंग जनरली मैं एक साथ करवाता हूं उसका रीजन आप लोग समझते हैं क्योंकि अदर सोर्सेज में बहुत सारे क्वेश्चन क्लबिंग के साथ मिक्स होकर आते हैं सो अदर सोर्सेज क्लबिंग इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज करने जा रहे हैं हम स्टार्ट चलो आओ करें स्टार्ट जी तो इनकम फ्रॉम अदर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर कौन सेवन से बेसिकली फिफ्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी नाइन के अदर सेक्शन होते हैं आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग जब रेजिडेंशियल करते हैं तो उस रेजिडेंशियल स्टेटस के कौन से सेक्शन होते हैं सिक्स से लेके नाइन इसके बाद सैलरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो सैलरी में फिफ्टीन से लेके सेवनटीन आते हैं हाउस प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आता है ट्वेंटी टू से लेके ट्वेंटी सेवन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा बीच में आता है पीजीबीपी जी एंड कैपिटल गेन जो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा बाद में पढ़ेंगे अदर सोर्सेज फिफ्टी सिक्स से लेके फिफ्टी नाइन में कवर होता है ठीक है तो ठीक उसी तरीके से जैसे सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 होता है हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 होता है वैसे ही अदर सोर्सेज का बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 56 होता है और 56 बेसिकली ये सेक्शन जो बेसिस ऑफ चार्ज होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि कहां लिखा हुआ है कि अदर सोर्सेज की इनकम पे टैक्स लगेगा जैसे कि कहां लिखा हुआ है सैलरी इनकम पे टैक्स लगेगा वो लिखा है सेक्शन 15 में कहां लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स लगेगा वो लिखा है सेक्शन 22 में और उसके कंडीशन के साथ और कहां लिखा है अदर सोर्सेज की इनकम पे टैक्स लगेगा और ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 56 में जैसे कि सैलरी के अंदर अपना ही डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन नंबर सोलह हाउस प्रॉपर्टी का अपना ही डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन नंबर चौबीस ऐसे ही अदर सोर्सेज का अपना ही इकलौता डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन नंबर फिफ्टी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आओ बच्चो नाउ सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स से पहले स्टार्ट करते हैं नाउ इनकम विच आर नॉट एक्सेंड फ्रॉम टैक्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज ये बात सेक्शन फिफ्टी सिक्स में क्लियरली लिखी हुई है कि जो इनकम एक्जेम्ट भी नहीं है और जो इनकम सैलरी में कवर नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं है पीजीबीपी में कवर नहीं है कैपिटल गेन में कवर नहीं है वो टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स ऑफ चार्ज ये कहता है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डिविडेंड विनिंग गिफ्ट इनकम ये सब चीजें अदर सोर्सिस में टैक्सेबल होती हैं सेक्शन वन जो मैं इसके साथ डिस्कस करता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और यह जो सेक्शन है ना वन ये बेसिकली पीजीबीपी और अदर सोर्सेस इन दोनों टॉपिक के ऊपर एप्लीकेबल है जिसमें ये लिखा है कि अगर एस जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा कंसिस्टेंटली उसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर हम उसकी इनकम कंप्यूट करेंगे तो अगर अदर सोर्सेज की इनकम की कंप्यूट करने की बात हो रही है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स या तो मर्केंटाइल बेसिस या फिर कैश बेसिस मर्केंटाइल क्या होता है बच्चों ड्यू बेसिस है ना एक बेसिस पर हम इनकम मान लेते हैं या फिर रिसिप्ट बेसिस पर यानी जब आया तब इनकम जब गया तो खर्चा तो ये सब चीजें अगर हम इज्यूम करके चल रहे हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कैलकुलेशन अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं उसी के बेसिस पर हमारी इनकम कंप्यूट की जाएगी और यहां पे क्लियरली लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टू तो बी कंप्यूटेड विद आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज रेगुलरली बाय द दी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डिविडेंड विनिंग इसके अंदर सब जगह पर यही पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं समझ में आ गई बात नाउ डिविडेंड इनकम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिविडेंड इनकम है और डिविडेंड इनकम के अंदर जो देखो मैं कुछ स्पेसिफिक इनकम्स अदर सोर्सेज की डिस्कस करने वाला हूं मैं यहां पर सेक्शंस की कम यूज़ेज करता हूं कुछ कुछ सेक्शंस की यूजेज करूंगा वो वो सेक्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देने की जरूरत है ना डिविडेंड इनकम की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं बच्चों एक चार दो के बाद से डिविडेंड इनकम अब टैक्सेबल हो गया है शेयर होल्डर्स को पहले टैक्सेबल नहीं होता था पहले कंपनीज़ टैक्स पे करती थी जिसको कारपोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते थे अब से शेयर होल्डर्स को खुद ये डिविडेंड पर टैक्स लग गया है ऑनर आफ्ट वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी डिविडन इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज टैक्सेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड सी डी टी अंडर सेक्शन वन फाइव ओ हैज़ बीन रिमूव तो भैया सीडीटी खत्म हो गया है डीडी टी जो हम टैक्स लगाते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देने से पहले ही दे देती थी और फिर बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर्स को देती थी वो चीज अब खत्म हो चुकी है और उसकी जगह पे अब शेयर होल्डर्स से टैक्स ले लिया गया है इससे आपको ये लगेगा कि शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है बल्कि शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है उन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स पहले इनकम को ज्यादा कमाते नहीं थे सो so, मान लो किसी एक शेयर होल्डर की मिस्टर एक्स की अगर इनकम मान लो तीन लाख रुपए होती थी तीन लाख रुपए होती थी पहले के अगर मैं केस की मान दूं और उसको एक लाख बीस हजार रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ था जो उसका एक लाख बीस हजार डिविडेंड मिलना था बट मिला उसको एक लाख क्योंकि उसका बीस हजार रुपए का सीडी कट गया मान लो तो उसको मिला चार लाख बट अगर हम लोग ध्यान से देखें इस एक लाख रुपए पर वो टैक्स दे चुका है क्यों देगा वो टैक्स क्योंकि ओवरऑल इनकम तो उसकी पांच लाख से कम है तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स को हो गया नुकसान तो मिस्टर एक्स को अब कैसे फायदा होगा अब ऐसे फायदा होगा कि तीन लाख के बाद अब उसको जब एक लाख बीस हज़ार ही मिलेंगे तो चार लाख बीस हज़ार रुपये उसकी इनकम हो गई अभी भी पाँच लाख रुपए तक की इनकम पे उसको रिबेट मिल जाएगा और इसकी वजह से उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो वो बी जो जो बीस हज़ार रुपये का टैक्स वो पे कर रहा था जो कंपनी पे कर रही थी उसके बिहाफ पर वह वहां पर वो चीज़ खत्म हो गई और उन शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया जिनकी ओवरऑल इनकम कम है या लेस स्लैब रेट पे है सो डिविडेंड बट हाँ उसमें नुकसान हो जाएगा जिन लोगों की इनकम पहले से ही ज़्यादा है जिनकी ऑलरेडी दस लाख प्लस इनकम थी और डिविडेंड इनकम आता है तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा ठीक है ना अब ऐसा भी हो सकता है सुनार्यो कि डिविडेंड इनकम अनाउंस की गई थी एक चार दो हजार बीस के पहले ठीक है जिसपे सीडी टी कट चुका है और डिस्ट्रीब्यूट किया गया शेयर होल्डर्स को ऑनर आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है ऐसा कोई डेट आ गया अगर तो ऐसे केस में अगर सी डी टी कट गया है तो ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एग्जेम्ट हो जाएगा इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पहले लग चुका है समझ में आ गई बात और इसके अलावा इसके ऊपर वो पॉइंट भी एप्लीकेबल हो जाएगा क्या जो सेक्शन वन वन फाइव बी बी डी ए में पढ़ते थे टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ दस लाख रुपए का डिविडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा अदरवाइज नहीं अदरवाइज बीबीडीए भी रिमूव हो चुका है अब सिर्फ एक चार बीस से पहले अगर डिविड अनाउंस किया गया था और सी डी टी कट गया है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंगे हो जाएगा बट शेयर होल्डर्स को डिविडन टैक्सेबल तब होगा जब दस लाख ,00 से ज्यादा मिलेगा डिविडेंड दस लाख से ज्यादा मान लो ग्यारह लाख ,00 मिला तो एक लाख रुपये के ऊपर दस परसेंट का टैक्स लगेगा यह बात हम वन वन फाइव बीबीडीए एक फ्लैट रेट सेक्शन के अंदर पढ़ते थे बट अब वो चीज़ रिमूव हो चुकी है यानी अब से जब भी डिविडेंड मिलेगा एक चार दो हज़ार बीस के बाद से तो अब वो टैक्सेबल शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली होगा तो इसीलिए अब वो वन वन फाइव बी बी डी ए का लॉजिक रह नहीं गया वो तो तब होता था जब दस लाख रुपए तक एग्जेंट की बात वो करते थे तो अब वो लॉजिक नहीं रह गया बट ये पॉइंट एप्लीकेबल है अभी भी कब जब एक चार बीस से पहले अनाउंस किया गया हो सी डी टी कट गया हो और एक चार बीस के बाद दिया गया हो तब ये चीज़ एप्लीकेबल अभी भी रहेगी डिडेंड इलूड्स डीम्ड डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड मतलब जहां पे हम मान लेते हैं डिविडेंड है सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी टू के अंदर सेक्शन क्लॉज के अंदर डिविडेंड इनकम में डीम्ड डिविडेंड को डिफाइन किया गया और डीम डिविडेंड में आते हैं बच्चों पांच क्या आते हैं पांच सिनारियो ऑब्वियसली मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा सकता हूं क्योंकि एक शॉर्ट रिविजन वीडियो होती है ये सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी टू सब क्लॉज ए बी सी डी और ई e, ये जो पांच इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पहला है रिलीज ऑफ एसेट्स जब मैं रिलीज ऑफ एसेट्स की बात करता हूं रिलीज ऑफ एसेट्स की बात करता हूं जब मैं रिलीज ऑफ एसेट्स की बात करता हूं सेक्शन 222 ए या फिर 222 बी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स और बोनस शेयर टू दिफरेंस शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अगर आपको याद हो क्लॉज सी फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या फिर लोन्स एडवांस टू स्पेसिफाइड शेयर होल्डर इन सब में एक पॉइंट कॉमन है और वो ये है कि अगर मान लो मैं मिस्टर एक्स हूं मैं मिस्टर एक्स हूं जो एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर एक्स uh, वाई जेड कंपनी में एसेट्स uh, uh, मान लो मेरे को एक एसेट दे दिया गया ठीक है उस एसेट की वैल्यू है मान लो पांच लाख रुपए ठीक है मिस्टर एक्स को मिल गया ठीक है और uh, जो मिस्टर एक्स है वो कंपनी में दस परसेंट मालिक है अब अगर मिस्टर एक्स कंपनी में 10% मालिक है तो ऑब्वियसली इसको 10% हिस्सा मिला होगा एसेट का 5 लाख रुपए अब ऐसे केस में जब कंपनी के प्रॉफिट्स देखे जाएंगे कंपनी के कंपनी के प्रॉफिट्स देखे जाएंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस करी पड़े हुए थे मान लेते हैं 80 नहीं मान लेते हैं 40 लाख रुपए ठीक है अब 40 लाख रुपए का 10% इसका बनता है मिस्टर एक्स का तो चार लाख रुपए इस पांच लाख रुपए में से चार लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और एक लाख रुपए उसका गिफ्ट मान लिया जाएगा कि उसको एक लाख रुपए गिफ्ट दे दिया कंपनी ने मिस्टर एक्स को तो अगर मिस्टर एक्स को पांच लाख का एसेट मिला है और मिस्टर एक्स का दस परसेंट शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर तो ऐसे केस में जो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है वो चालीस लाख रुपए अगर है तो चालीस लाख का दस परसेंट उसका हिस्सा बनता है तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्टेड प्रॉफिट इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ध्यान रहे क्योंकि डिविडेंड हमेशा एक अप्रोप्रिएशन होता है और वो दिया प्रॉफिट में से जाता है सिमिलरली इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स अगर एसेट्स की जगह पे डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए मिस्टर एक्स के नाम पर तो अगेन अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्मलेटेड प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड और ऐसे ही अगर बात करें अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है कंपनी क्या हो जाती है लिक्विडेट कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी बंद होते वक्त कुछ एसेट्स बांट दिए गए तो ऐसे केस में जो भी वैल्यू होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्टेड प्रॉफिट अगर कंपनी कंपनियाँ प्रॉफिट है तो वो डीम डिविडेंड हो जाएगा और जो उसके अलावा पैसे मिले हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो शेयर जो है जो कम, जो शेयर होल्डर ने खरीदे थे शेयर्स वो शेयर्स एक तरह से बेच दिए और वो बेचने की वजह से आपको पैसे मिले शेयर होल्डर को शेयर्स बेचने के पैसे मिले क्योंकि कंपनी तो हो गई है बंद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया तो यहां पर जैसे यहां पर गिफ्ट मान लिया जाता था ना लिक्विडेशन केस में गिफ्ट नहीं माना जाता वो सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर माना जाता है समझ में आती है बात सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर चलो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर देता हूं इन केस ऑफ इन केस ऑफ लिक्विडेशन सो इन केस ऑफ लिक्विडेशन में एग्जाम्पल कुछ ऐसा देना चाहता हूं सो so मान लेते हैं मिस्टर एक्स कंपनी में दस परसेंट का शेयर होल्डर है कंपनी लिक्विडेट हो रही है कंपनी लिक्विडेट हो रही है और लिक्विडेट होने के वक्त जो बैलेंस शीट है कंपनी के पास वो बैलेंस शीट दिखाती है कि उसका जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है साठ लाख रुपए का कितना पड़ा हुआ है साठ लाख रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास जो नेट एसेट्स नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल एसेट्स जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो एसेट्स करीब करीब अस्सी लाख रुपए के पड़े हुए हैं कितने रुपए के पड़े हुए हैं अस्सी लाख रुपए और रिजर्व कितने पर पड़ा हुआ है साठ लाख रुपए का अच्छा कंपनी में यह बात इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आप आ, और क्या इंफॉर्मेशन मैं कह सकता हूं बस तो हाँ मैं ये कह सकता हूं कि शेयर कितने का खरीदा था तो मिस्टर एक्स ने मान लो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स ये थे मान लेते हैं एक लाख रुपए ठीक है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग शेयर एक लाख रुपए अब अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में जब दस परसेंट का मालिक हुआ तो आपको पहले निकालना है मिस्टर एक्स का शेयर इन जनरल रिजर्व तो साठ लाख रुपए का जनरल रिजर्व है उसका दस परसेंट उसका बनता है छह लाख रुपए तो छह लाख रुपए तो एक तरह से उसी का हिस्सा बनता है मिस्टर एक्स का शेयर इन नेट एसेट्स अब उस एसेट्स में कितना का शेयर बनता है अस्सी लाख का दस परसेंट कितना हो गया आठ लाख रुपए तो ये आठ लाख रुपए जो आपको मिल रहे हैं इसमें से छ लाख रुपए तो आपका माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड क्योंकि अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलो हा या ना और दो लाख रुपए दो लाख रुपए आपके शेयर्स की सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी बच्चों मतलब मान लिया जाएगा कि आपने शेयर बेचे हैं और इसकी खरीदने की कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाएगी शेयर्स कितने खरीदे थे एक लाख रुपए के तो लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने इसमें से माइनस कर दी ये एक लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है मेरा मकसद वो समझाना नहीं है आप लोग जानते हैं मकसद क्या है वो समझ में आ गया कैपिटल गेन के में इंडेक्सेशन भी होती है आप लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म केस के अंदर बट हम लोग वो मकसद नहीं है मकसद क्या है वो आपको समझ में आ गया

दस परसेंट से ज्यादा शेयर्स हैं जिसके कंपनी में टेन कितना टेन परसेंट और मोर ओनरशिप है उसको बोलते हैं कंपनी में स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स ठीक है और इसके अलावा इसके अलावा अगर कंपनी किसी ऐसी फर्म को लोन देती है किसी ऐसी फर्म तो भाई प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है यहां पर अगर आपको याद आ रहा हो यहां पे कंडीशन क्या थी यहां पे प्राइवेट कंपनी की बात हो रही थी

ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी लोन दे रही है बट उसको नहीं दे रही वो किसी फर्म को लोन दे रही है जिस फर्म में उसकी होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा है क्या समझे अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर मैं इसको इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं अगर मैं ये कह दूं कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी लोन दे रही है प्राइवेट कंपनी लोन दे रही है किसको दे रही है किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रही है और उस फर्म में आपकी होल्डिंग 20% परसेंट या उससे ज्यादा है ठीक है और प्राइवेट कंपनी में आपकी होल्डिंग कितनी है 10% परसेंट या उससे ज्यादा तो ऐसे केस में यह मान लिया जाएगा कि वो जो लोन दिया गया वो आपके बेनिफिट्स के लिए दिया गया इसलिए वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्टेड प्रॉफिट डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा समझ में आ गई बात सो so, ये बहुत क्लियर केस है जहां पर कोई भी तरह का अमाउंट लोन एडवांसर्स अगर किसी भी पर्सन को दिया जाए जिसका डायरेक्ट या इंडायरेक्ट बेनिफिट स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को मिलता है तो ऐसे केस में हम मान लेंगे वो इनकम डीम डिविडेंड है वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा वो लोन एडवांसर्स नहीं मांगा जाएगा वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा अच्छा एक और बात इसमें एक्सेप्शन भी होता था अगर आपको याद आ रहा हो Bank, जो भी लोग फाइनेंस का, का काम करते हैं जिनका काम ही यही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो ऐसे केस में उन लोगों के लिए डीम डिविडेंड नहीं होता याद आ रहा है आप लोगों को उन लोगों के लिए डीम डिविडेंड नहीं होता मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं मेरा पर्पज सिर्फ एक शॉर्ट रिविजन कराना है मैं साथ साथ बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो सो प्राइवेट कंपनी अगर लोन देती है फर्म को और अगर उस फर्म में भी ट्वेंटी की होल्डिंग है तैन दैट केस लोन अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्मलेटेड प्रॉफिट डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा समझ में आ गई बात और इन एनी अदर केस अगर कोई भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड शेयर होल्डर का होता है तो हम उस केस में डीम डिविडेंड मान लेंगे एक्सेप्शन मैंने आपको बताया जो लोग काम करते हैं इस चीज का लोन देने का ना इसी के अंदर यह बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कल को कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो वो जो डिविडेंड पहले ही लोन लोन वाला अमाउंट जो डिविडेंड मान लिया गया है वो अमाउंट उसका एडजस्ट हो जाएगा जो बच जाएगा वो उसके लिए डिविडेंड होगा बाकी का जो अमाउंट है वो तो डीम पहले पहले ही मान लिया गया समझ गया।, तो गया।, गया समझ में आ उस पर तो टैक्स उसको डिविडेंडर सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है ताकि वो लोग ऐसी प्रैक्टिस ना करें और प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये बात बोल दी गई इन ऑल केसेस डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स वैल्यू टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स आगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल टू द शेयर होल्डर्स आफ्टर गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 तो जैसे सैलरी के अंदर सेक्शन 16 होता था ना हाउस ऑपर्टी में सेक्शन 24 होता था वैसे ही अदर सोर्सेज में 57 होता है उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इट इज टैक्सेबल अंडर दट अदर सोर्सेज वेदर इट इज रिसीव फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी और इट इज रिसीव फ्रॉम अ फॉरिन कंपनी इससे फर्क नहीं पड़ता बट हाँ डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 57 की ठीक है अगर इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस मिला हो मतलब क्या होता है कि ऐसा केस आ जाता है कि आपको मान लेते हैं जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नौ हजार रुपए मिल रहा है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है नौ हजार रुपए मिल रहा है और टीडीएस का रेट है दस और वो आपके इस इंटरेस्ट पर डिडक्ट हो चुका है मान लेते हैं सो चलो इसको मैं ऐसे कर दूं इसको मैं दूसरे की जगह पे अठारह हजार कर देता हूं ठीक है अट्ठारह हजार रुपए है और टी का रेट है दस परसेंट जो ऑलरेडी आपको डिडक्ट होके ही मिला है तो ऐसे केस में हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाने से दिखाने से पहले हम इसको ग्रॉसअप कर देंगे क्या कर देंगे ग्रॉसअप क्योंकि ये इनकम नहीं है मेरी मेरी इनकम है जो टी कटने से पहले थी तो अट्ठारह हजार रुपए को मैं ग्रॉसअप कैसे करूँगा हंड्रेड माइनस रेट ऑफ टी डी एस नाइन्टी क्योंकि ये मतलब टी डी एस कटके बाद है तो ये नाइन्टी परसेंट है तो हंड्रेड कितना होगा यानी टोटल जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो बीस हजार सिंपली करना क्या होता है इनकम दिखा, दिखा दोगे जब आपका टीडीएस की जो डिटेल है सो इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं हो रही दोस्तों बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें डबल टैक्सेशन हो गया नहीं समझ में आ गई बात थर्ड इज कैजुअल इनकम सो एनी इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसउट पजल्स हॉर्स रेसेस कार्ड गेम्स बेटिंग विनिंग फ्रॉम रेसेस इनको मैं शॉर्ट में गंदी इनकम बोलता हूँ क्या बोलता हूँ गंदी इनकम्स अगर आपके ऐसे शौक हैं ठीक है शौक बड़ी चीज़ है गंदी इनकम्स अगर आपके हाथ में आती हैं ठीक है तो ऐसे केस में इस पर टैक्स लगेगा फ्लैट थर्टी परसेंट अंडर सेक्शन वन वन फाइव बी ठीक है ये एक फ्लैट रेट वाले सेक्शन है ना वो सारे वन वन फाइव में ही आते हैं ना थर्टी परसेंट फ्लैट रेट लग जाएगा और इस पर दो तीन के नुकसान है ये कितनी गंदी इनकम है गवर्नमेंट बता रहा है कह रहा है इतनी गंदी इनकम है इस पर सेक्शन फिफ्टी सेवन की डिडक्शन नहीं मिलेगी ये इतनी गंदी इनकम है इस पर सेक्शन एट्टी सी टू एटी यू नहीं मिलेगा अच्छा ये इतनी गंदी इनकम है कि इस पर स्लैब एग्जेम्पन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं देंगे स्लैब एग्जेम्शन वो जो ढाई लाख रुपए वो बेनिफिट भी इनके ऊपर नहीं देंगे मतलब किसी भी तरीके का बेनिफिट इनके ऊपर नहीं मिलेगा जितनी भी ये कैजुअल इनकम होगी वो फ्लैट थर्टी परसेंट उसके ऊपर टैक्स लग जाया करेगा इफ इनकम इज नैट ऑफ टी डी एस देन इट शुड भी ग्रॉसडअप अगेन वही वाली बात कि अगर हमें अदर सोर्सेज की इनकम में दिखाना है तो अगर वो नेट ऑफ टीडीएस मिला है हम उसको ग्रॉसअप करके दिखाएंगे और टीडीएस का रेट अलग से दिखा देंगे कि हम लोगों ने इतना पे कर दिया हालांकि वो टीडीएस टोटल टैक्स में से माइनस एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उतना अमाउंट आपको पे करना ही है वो टी चेक किया जाएगा कि आपने टोटल टैक्स जो पे करना है वो कितना पे करना है हाँ टोटल टैक्स में अगर आपने कैजुअल इनकम पे थर्टी लगा लिख लिया है तो कैजुअल इनकम पे तो फ्लैट थर्टी परसेंट लगता है तो वो वाला आप आप पे, कर दोगे, भी टोटल इनकम नेक्स्ट इज लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया फर्नीचर को किराए पर दिया इसका तो कोई हेड नहीं है सो so अगर मैं फर्नीचर या मशीनरी को किराए पर देता हूं तो इनकम अदर में टैक्सेबल होगी इस पर डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन में ठीक है और दैट्स uh, इट हाँ पी में भी हो सकती है अगर ये मेरी मेन एक्टिविटी है अगर ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी है तो पी अगर नहीं है तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी इसमें कोई, कोई 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 डाउट है इसके अंदर सो लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स मेरी रेगुलर एक्टिविटी है तो कहां जाएगी पीजीबीपी में जाएगी ये इनकम और ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी तो ये कहाँ जाएगी ये जाएगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस कहाँ जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज नेक्स्ट कॉम्पोजिट रेंट कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या होता है जहाँ पे रेंट ऑफ फैसिलिटीज़ सॉरी फर्नीचर बिल्डिंग सब कुछ एक साथ मतलब अगर कोई आपको अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे बिल्डिंग के साथ जहाँ पे बिल्डिंग के साथ आपको फर्नीचर भी मिल जाता है ठीक है बिल्डिंग के साथ फर्नीचर या अदर एसेट्स भी मिल जाते हैं तो ऐसे केस में हम उसको कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं ये बात हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में भी पढ़ते हैं सो so, अगर इस केस में करना क्या है अगर इस केस में सिंपल सी बात है अगर डिवीजन पॉसिबल है अगर आप डिवीजन इसको अलग अलग कर सकते हो कि बिल्डिंग का रेंट कितना है और फर्नीचर का कितना है तो बिल्डिंग वाला रेंट जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और फर्नीचर वाला रेंट जाएगा अदर सोर्सेज में हाँ अगर यही आपका काम है यही काम है तो बिल्डिंग वाला रेंट जाएगा पीजीबीपी में और फर्नीचर वाला इनकम भी रेंट जाएगा पीजीबीपी में सर अगर डिवीज़न uh, पॉसिबल ही नहीं है तो ये सारी की सारी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी ठीक है बिल्डिंग और फर्नीचर का कॉम्पोजिट रेंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज और अगर डिवीज़न पॉसिबल uh, नहीं है हाँ अगर ये मेन एक्टिविटी है यही रेगुलर एक्टिविटी है तो पी में, में जाएगी सो एज द केस में बी समझ में आ गया और डिडक्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी तो मिल ही जाएगा इज क्लियर सो रेंट डिजन पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है डिविजन पॉसिबल है तो बिल्डिंग को अलग कर दो अदर एसेट्स को अलग कर दो बिल्डिंग रेगुलर एक्टिविटी है है तो तो पीजीबीपी में नहीं हाउस प्रॉपर्टी में और अदर एसेट्स में रेगुलर एक्टिविटी है तो पीजीबीपी में रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो अदर सोर्सेज और कॉम्पोजिट रेंट तो तो की बात करें तो अगर रेगुलर एक्टिविटी है तो पीजीबीपी में नहीं है तो अदर सोर्सेज समझ में आ गई बात पॉइंट नंबर सिक्स मेचोरिटी ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको याद आ रहा हो की मैन जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कंपनी का जिसके लिए प्रीमियम पे कर रहा है कंपनी और आपकी पॉलिसी करा दी जाती है तो जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो पहले इंप्लॉयर को ही मिलता है अगर इंप्लॉयर को रिसीव होगा तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पी अगर इंप्लॉयी के रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा तो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज और अगर इंप्लॉयी को ही पैसा दे दिया जाए अब इम्प्लॉय को पैसा कब दिया जा सकता है मेचोरिटी जब टर्म से खत्म हो जाए टर्म मतलब उसके पीरियड खत्म हो जाए तो ऐसे केस में जो मेच्योरिटी पे पैसा मिला है सो so इंप्लॉयर ने वो पैसा इंप्लॉय को दे दिया तो ऐसे केस में वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा और उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स इन ले ऑफ सैलरी क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स इन ले ऑफ सैलरी मैंने ये बात करवाई होगी आपको प्रॉफिट्स इन ले ऑफ सैलरी के अंदर सो so बच्चों या तो वो इनकम अदर सोर्सेज में या फिर पीजीबीपी में या फिर सैलरी में दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो पैसा किसको मिला है तो हम बात कर रहे हैं अदर सोर्सेज की तो अदर सोर्सेज समझ में आ गया द अमाउंट रिसीव ऑन मेच्योरिटी अंडर की इंश्योरेंस पॉलिसीज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेज प्रोवाइडेड इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी और सैलरी फैमिली पेंशन की बात करते हैं अगर पेंशन रिसीव हो रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिवर्सन सच ठीक है अब पेंशन मिली है डेथ जिस, हो होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव को अगर पेंशन मिल रही है तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं और फैमिली पेंशन पे गवर्नमेंट एक फिक्स डिडक्शन देती है वन थर्ड ऑफ पेंशन रिसीव्ड और पंद्रह हजार रुपए साल का विच एवर इज लेस समझ में आ गई बात थ इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंशन और एनहैंस कॉम्पेंेशन सर याद होगा कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन जब प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर दी जाती है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इज लाइव गवर्नमेंट गवर्नमेंट या government की अथॉरिटी आपको कॉम्पेंसेट करती है अब वो जो कॉम्पेंसेशन दे रही है उसमें कर दिया डिले तो उस पर लगेगा इंटरेस्ट अब वो जो इंटरेस्ट है वो कॉम्पेंसेशन uh, जितना डिले करेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जब मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक 50 परसेंट की फिक्स डिडक्शन होती है सो वेन एन रिमूबल प्रॉपर्टी इज कम्पल्सरी बाई द गवर्वेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी देन दट अथॉरिटी इज लाइबल टू पे कॉम्पेंशन टू दैसे अलॉन्ग विद इंटरस्ट ऑन इट इंटरेस्ट इज टैक्सेब ऑन द रिसप्टिस आफ्टर गेटिंग अ फिक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी सेवन ऑफ फिफ्टी परसेंट फॉर्म समझ में आ गया पचास परसेंट की डिडक्शन इसमें मिल जाएगी नेक्स्ट इज एडवांस मनी फोरफिटेड अगर बच्चों एडवांस मनी uh, क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपर्टी uh, का एग्रीमेंट होता है और प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में ये बात लिख दी जाती है कि एडवांस कितना दिया है सो so, प्रॉपर्टी अगर मान लो एक करोड़ रुपए की बिकी है और एडवांस दस लाख रुपए आप मुझे दे चुके हो और आगे के आपने टाइमलाइन रख दिए कि एक महीने के बाद आप मुझे तीस लाख दे देना अगले महीने में तीस लाख और बैलेंस जो है मुझे अगले महीने में दे देना मतलब तीन महीनों में आप मुझे पूरे पैसे दे दे, दे। बट अगर मान लो उसने अगले महीने में तीस लाख नहीं दिए मतलब ये वाले टाइम पर आपको तीस लाख रुपए नहीं दिए गए तो ऐसे केस में ये पैसा जब्त कर सकता है वो जी हाँ जब्त कर सकता है लीगली वो प्रॉपर्टी के पैसे जब्त कर लेगा और वो इनकम गवर्नमेंट ने बोल दिया एक चार दो हज़ार चौदह के बाद से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज तो बच्चों एक चार चौदह के बाद से इसलिए क्योंकि एक चार चौदह से पहले का जो ट्रीटमेंट होता था वो अलग होता था और उसमें होता क्या था वो कैपिटल गेन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक चार चौदह के बाद से बट अब अब आपको ये वाला पॉइंट समझना है चार चौदह से बाद से जब भी होगा तो ये इनकम एडवांस मनी की टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर गिफ्ट इनकम की अगर हम बात करें तो गिफ्ट इनकम बच्चों दो तरह के होते हैं मॉनेटरी मॉनेटरी गिफ्ट 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 और इन काइंड अगर की बात करें तो इट इज फुली टैक्सेबल अगर पचास हजार रुपए लिमिट से ज्यादा हो जाए साल भर में इन एग्रीगेट साल भर में इन एग्रीगेट मतलब अगर मेरे को तीन चार दोस्तों से पचास हजार रुपए से ज्यादा के गिफ्ट मिलते हैं टोटल तो, तो मेरा फुली टैक्सेबल हो जाएगा अदरवाइज ये फुली एक्ज हो जाएगा गिफ्ट इन काइंड की बात करें तो उसमें दो तरह से हो सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये बात लिखी गई कि इट इज फुली टैक्सेबल अगर पचास हजार रुपये पर एनएम से ज्यादा गिफ्ट मिल जाते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पचास हज़ार पर एन एम से ज्यादा है इन एग्रीगेट समझ में आ गई बात सो इन एग्रीगेट अगर पचास हजार रुपए से ज्यादा है तो वो फुली टैक्सेबल है अगर पचास हजार से कम है तो वो फुली एग्जेट है समझ में आ गई बात सर uh, मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन आता है बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो मूवेबल प्रॉपर्टी की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में क्या पढ़ते थे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और क्या होता था शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ज्वेलरी एंड बुलियन और पेंटिंग्स ड्रॉइंग्स आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन स्कल्पर्स एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट याद आ रहा है एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट समझ में तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है इसके अंदर यही आते हैं बस ये सात पॉइंट्स अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो ऐसे केस में साल भर में देखा जाएगा और टोटल ओवरऑल देखा जाएगा जितने भी दोस्तों से मिले ठीक है तब वो हमारे फुली टैक्सेबल हो जाए फुली एक्जेंट हो जाएगा अगर वो पचास हज़ार से कम है तो और अगर वो पचास हजार से ज्यादा बनते हैं फिर मार्केट वैल्यूज तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे अगर हम इमोबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इमोबल प्रॉपर्टी में सो सिंपली लैंड बिल्डिंग या बोथ ठीक है और ऐसे केस में स्टैंड ड्यूटी वैल्यू देखते हैं कि अगर स्टैंड ड्यूटी वैल्यू पचास हजार से ज्यादा हो जाए जो गिफ्ट मिला है तो ऐसे केस में वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा और अगर पचास से कम मिलता है तो वो फुली एक्जेप्ट हो जाएगा समझ में आ गई बात सर यहां पर ट्रांजेक्शन वाइज देखना होता है यहां पे आपको ट्रांजेक्शन वाइज देखना होता है सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन वाइज और यहां पे एग्रीगेट देखना होता है एग्रीगेट जितने भी लोगों से मुझे मिले हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पूरे साल भर में हमें वो देखना जबकि इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर साल भर में नहीं देखना मुझे क्या देखना है पर ट्रांजेक्शन मुझे पचास हजार से ज्यादा का गिफ्ट मिल रहा है पचास हजार से कम इज दैट क्लियर सर इसी के केस में जो ये बात कर रहे हैं हम गिफ्ट इनकम की ये विदाउट कंसिडरेशन है इसी के केस में विद भी हो सकता है बट वो इन एडिकुएटिडर इन एडिकुएट का मतलब क्या है कि मान लो अस्सी लाख की प्रॉपर्टी सत्तर लाख में दे दी या साठ लाख में दे दी तो ऐसे केस में जो कम में दिया तो वो टैक्सेबल होना चाहिए बायर को क्योंकि बायर के पैसे बच गए और बायर के जो पैसे बच गए वो गिफ्ट माना जा रहा है सो परचेज फॉर इन एडिकुएट कंसिडरेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी हो सकता है तो so, अगर कोई मान लो मैंने एक ज्वेलरी खरीदी है मैंने अपने दोस्त से खरीदी है जो दो लाख की ज्वेलरी है बट मैंने एक लाख रुपए में ख़रीदी है तो वो एक लाख रुपए का जो है जो डिफरेंस है वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा है तो इफ़ एनी मूवल प्रॉपर्टीज़ परचेज फ्रॉम अ पर्सन फॉर होम सच एसेट इज नॉट अ स्टॉक जिनके लिए वो एसेट स्टॉक नहीं है मतलब ये कि अगर मैं किसी ट्रेडर से खरीदता हूँ ज्वेलरी का जो काम करता है अगर मैं उससे खरीदता हूँ और मार्केट से सस्ते रेट पर ख़रीद लेता हूँ तो गवर्नमेंट कहता है वो गिफ्ट नहीं है क्योंकि वो डिस्काउंट माना जाएगा वो बिल में खरीद रहा होगा बट अगर वो डिस्काउंट नहीं है बिल पे नहीं है तो ऐसे केस में वो चीज तुम्हारी गिफ्टिंग टैक्सेबल इफ इट एक्सीड रूपीज फिफ्टी थाउजेंड इन एग्रीगेट सो बच्चों मान लो ऐसा ऐसी मैंने दो तरह की मोबाइल प्रॉपर्टी खरीदी एक का जो डिफरेंस है वो बीस हजार रुपए का एक का डिफरेंस चालीस हजार रुपए का दोनों का देखा जाए सिंगल सिंगल तो पचास हजार पचास हजार से कम है ठीक है बट ऐसे केस में हमें कभी डिफरेंस को सिंगल सिंगल नहीं देखना हमें देखना हमेशा साल भर के लिमिट है अगर मैंने साल भर में पचास हज़ार से कम में टोटल एग्रीगेट मैंने कोई चीज़ उठाई है कोई चीज़ खरीदी है तो ऐसे केस में वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा अगर पचास हज़ार से ज़्यादा का डिफरेंस है तो तो 20 वो 40 ये तो टोटल साठ हज़ार का जो डिफरेंस मैंने डिफरेंस में, में मैंने सामान का फायदा उठाया है तो वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज समझ में आ गई बात सर याद रहे ये हम उन बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं उन बिजनेस से ख़रीदा है जिनके लिए स्टॉक नहीं है मतलब ये उनके लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए समझ में आ गई बात उनसे अगर मैंने सामान खरीदा है और ये उनके लिए कैपिटल एसेट है तो ऐसे केस में मैं उस पचास हज़ार रुपये से अगर अगर मैंने सस्ते में मतलब अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले, ले लेता हूँ कि मान लो मैंने अपने दोस्त से ज्वेलरी खरीदी कितने रुपए की ज्वेलरी है अस्सी हज़ार की ज्वेलरी खरीदी ठीक है और उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो एक लाख रुपए तो भाई एक लाख रुपए की ज्वेलरी अस्सी हज़ार रुपए में खरीदी तो डिफरेंस कितना बीस हजार अब यहां पर जब डिफरेंस बीस हज़ार रुपये का ये मुझे टैक्सेबल नहीं होगा अगर मुझे साल भर में सिर्फ यही मिला है तो और अगर मुझे बीस हज़ार रुपये से ज्यादा का और भी कुछ अमाउंट मिला है जिसमें मैंने और भी कोई फायदा उठाए हैं तो साल भर में अगर वो पचास हज़ार से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्स इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग के केस में अगर मैंने पचास हजार रुपए से ज्यादा का फायदा उठाया है मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आठ लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है लैंड परचेज की है फॉर रुपीज एट लाख तो आठ लाख रुपए की लैंड खरीदी है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है दस लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दस लाख रुपए और आपने लैंड कितने की खरीदी आठ लाख ,00 में तो आपको कितने का फायदा हो गया दो लाख ,00 का फायदा हो गया अब ये दो लाख रुपए आपको टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे उसको देखने के लिए आपको क्या करना है ये दो लाख रुपए टैक्सेबल होंगे क्योंकि पचास हजार रुपए से भी ज्यादा है और टेन परसेंट ऑफ कंसेड्रेशन से भी ज्यादा कंसेड्रेशन है आठ लाख उसका दस परसेंट होता है अस्सी हजार इन दोनों से यह दो लाख रुपए ज्यादा है और क्योंकि इन दोनों से यह दो लाख रुपए ज्यादा है तो यह टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस समझ में आ गई बात और ये हमें हर ट्रांजेक्शन वाइज देखना होता है इज दैट क्लियर टू एवरी अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में भी पर एक परेशानी है सर स्टैप ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझते हो ना प्रॉपर्टी की वाइट मनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर कौन सी लेनी है एक्चुअली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दो हो सकती है एक हो सकती है डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली और एक हो सकती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली सर कौन सी लेनी चाहिए एग्रीमेंट वाली या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली वैसे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली लेनी चाहिए बट अगर एग्रीमेंट की डेट पर कुछ भी पार्ट या होल अमाउंट पार्ट या होल अमाउंट हमें आ, इन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस से मिल जाता है या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल जाता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंकिंग चैनल कोई भी ठीक है तो ऐसे केस में हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे तो भाई मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट समझते हो ना जिस रेट पर सेलर और बायर का एक डीड हुआ एक एग्रीमेंट हुआ एडवांस मनी दी गई थी और एक एग्रीमेंट हो गया प्रॉपर्टी डीलर बीच में बैठा है सेलर बायर यहां पर बैठा है तो यहां पर एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई आ, इतने इतने अमाउंट का पैसे आपने देने हैं जैसे ही मैं पूरा पैसा दे दूंगा बायर सेलर को पूरा पैसा दे देगा उस प्रॉपर्टी की क्या होगी रजिस्ट्री होगी तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लेते हैं ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑब्वियसली डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले होगा और डेट ऑफ जो रजिस्ट्री है वो हमेशा बाद में होगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लो ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट है चालीस लाख रुपए ठीक है और ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट आपने आ, एक लाख रुपए दे दिया कितना रुपए दे दिया एक लाख रुपए रिसीव्ड और वो मिला बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक आपने मुझे चेक से पैसे दे दिए ठीक है जी तो चालीस लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी और एक लाख रुपए बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक मुझे मिल गया तो ऐसे केस में हम लोग चालीस लाख रुपए को ही कंसिडर करेंगे एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट ना कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन uh, तो तुमने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला नहीं देखना ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला देखेंगे समझ में आ गई बात सो इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी किसडर्ड इफ द प्रोपर पार्ट ऑफ द कसिड्रेशन और होल अमाउंट ऑफ द देशन इज रिस बाई अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ई सी एस और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ये बात यहां पर रह गई ये भी लिख लो और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट या एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट ठीक है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के टाइम पे मुझे इतना पैसा मिल गया है सो ऐसे केस में आ, मुझे डेट ऑफ एग्रीमेंट के टाइम पर जो भी मुझे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वैल्यू होगी वो कर ली जाएगी आगे बढ़ते नाउ गिफ्ट इनकम कवर कर लिया हमने कॉम्पेंेशन रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स सो भाई अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को निकाल देता है आ,

एक क्लोजली एल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हैं अपने आ, किसी को भी आ, किसी भी जान पहचान वाले में ठीक है मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां पर फोर्टी थाउजेंड शेयर इशू किए हैं ठीक है और उसमें क्या हुआ कि ये जो चालीस हजार शेयर है इसकी फेस वैल्यू फेस वैल्यू अच्छा इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि शेयर शुड बी इशूड एट प्रीमियम शेयर शुड बी इशूड एट प्रीमियम लिखा हुआ एनी एक्सेस ऑफ 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 फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स शेयर्स द क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच आर इशूड एट प्रीमियम ये जरूरी है अगर प्रीमियम वाला केस नहीं है तो यहां पर ये वाला ये वाला सेक्शन बेनिफिट नहीं लगेगा चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा ही क्यों ना मिल रहा सो फेस वैल्यू है मान लो शेयर की सौ रुपए ईच और इशूड प्राइस 120 है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 110 है तो ऐसे केस में 110 से कितना ज्यादा है इशूड uh, प्राइस अगर मार्केट में 110 का मिल रहा है ठीक है और आपने इशू किया 20 uh, 10 रुपए एक्स्ट्रा में तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों का यानी दस रुपए मल्टीप्लाई बाय चार चालीस हजार तो जो भी मुझे इश्यू प्राइस 120 में दे रहा है मतलब दस रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो मेरे लिए इनकम मानी जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज हम बात कर रहे हैं किसके लिए इनकम मानी जाएगी कंपनी के लिए सो याद रहे दो बातें प्रीमियम वाला केस होना जरूरी है प्रीमियम वाला केस होना जरूरी है अगर प्रीमियम वाला केस नहीं है तो ये ये सेक्शन नहीं लगेगा दूसरी बात फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होना जरूरी है दोनों बातें कंडीशंस मैच होंगी तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा पॉइंट नंबर थर्टीन इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर अब देखो इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है मतलब मान लो इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉई uh, ने एम्प्लॉयर के अकाउंट में से पैसे सैलरी uh, का जो सैलरी अमाउंट था उसके सैलरी में से पी एफ का अमाउंट काट लिया और वो अमाउंट उसने जमा करवाना था अभी तक करवाया नहीं है तो जो इम्प्लॉई के हाथ में पी एफ का अमाउंट पड़ा हुआ है जो इंप्लॉयर सॉरी इम्प्लॉय के अमाउंट में कह रहा हूँ एम्प्लॉयर के अमाउंट हाथ में जो इम्प्लॉय का वो अमाउंट पी एफ वाला पड़ा हुआ है ये देखो चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये भी कि एक एम्प्लॉई है और ये एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर क्या देता है सैलरी देता है सर सैलरी देते वक्त सैलरी देते वक्त वो मान लेते हैं आर का अमाउंट डिडक्ट कर लेता है ठीक है प्रोविडेंट फंड का अमाउंट डिडक्ट कर लेता है और वो कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉई की मानी जाएगी और इसका काम था कि वो पी जो है गवर्नमेंट को जमा करवाए है ना बट उसने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया नॉट डिपॉजिटेड येट Not deposited येट तो so, ये जो पी एफ का अमाउंट है पी एफ नॉट डिपॉजिटेड येट तो ये जो पी एफ का अमाउंट है विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस किसको टैक्सेबल हो जाएगा भाई ऑब्वियसली इंप्लॉयर को टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि इंप्लॉयर के हाथ में पड़े हैं, उसने अपने पी एफ जो है जमा नहीं करवाया समझ में आ गई बात रेजिडल इनकम ना रेजिडल इनकम कहने का मतलब है कि कोई भी तरह की इनकम जो भी सैलरी हाउस ऑपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन में कवर नहीं होती वो अदर सोर्सेज में कवर हो जाती है फोर्टीन पॉइंट में ये बात लिख दी जाती है इसका एग्जांपल ये कह सकते हो सैलरी रिसीव बाई एम पी एमएलएमपीएमएलए की जो तनख्वाह होती है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है तो उसको सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा हाउस ऑपर्टी में हो नहीं सकता पीजीबीपी में है नहीं कैपिटल गेन में है नहीं तो कहां जाएगा अदर सोर्सेज समझ में आ गई बात तो ये था बच्चों सेक्शन नंबर 56 जिसमें हम लोगों ने 14 पॉइंट पढ़े हैं तकरीबन अब पढ़ रहे हैं 57 तो 57 में क्या है एक्सपेंसेस विच आर अलाउड एस डिडक्शन कौन कौन से खर्चे हैं जिसकी डिडक्शन मिल जानी चाहिए अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंटरेस्ट इनकम तो इंटरेस्ट ऑन लोन कलेक्शन चार्जेस कमीशन इन सब खर्चों की डिडक्शन मिल जानी चाहिए मतलब मान लो मैंने इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूँ सिक्योरिटीज़ पर बट सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए मैंने लोन लिया मार्केट से और लोन लेने पर जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ उस इंटरेस्ट की मुझे क्या मिल जाएगी डिडक्शन कलेक्शन चार्जेस की मतलब मान लो जो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इनकम लेके आ रहा है वो मुझसे कुछ कमीशन चार्ज करता है तो वो कमीशन अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इसमें एक खास बात है ये भी अगेन एक अमेंडमेंट है ठीक है अमेंडमेंट है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 जिसमें यह बात लिख दी गई कि इंटरेस्ट डिविडेंड डिविडेंड इनकम इनकम क्योंकि टैक्सेबल है ना शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57 इंटरेस्ट एक्सपेंस की सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की मतलब मान लो अगर मैंने शेयर जो खरीदे हैं वो लोन लेके खरीदे और उस लोन लेके जो खरीदे लोन पर क्या लिया दिया इंटरेस्ट वो जो इंटरेस्ट है उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी और वो भी कितनी मैक्सिमम अपू ट्वेंटी परसेंट ऑफ सच इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट है उसका 20% से ज्यादा की मुझे डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा समझ में आ गई बात 20% से ज्यादा का इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी आगे आ जाओ ट्वेंटी परसेंट ऑफ नॉट सच इंटरेस्ट ये मेरे ख्याल से गलती से लिख दिया नॉट सच इंटरेस्ट ऑफ सच इनकम होना चाहिए था ऑफ सच इनकम मैक्सिमम इनकम मतलब डिविडेंड इनकम ठीक है सॉरी यह गलती से लिख दिया है इसको ठीक कर लेना नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा डिप्रीशन रिपेयर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा भाई अगर मेरा काम है प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर किराए पर देने का ठीक है काम नहीं है मतलब अदर सोर्सेज में अगर ये इनकम में कर रहा हूं तो ऐसे केस में जो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो भी मुझे खर्चे की डिरेक्शन मिल जाएगी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है वो भी मिल जाएगी मुझे उसके कोई रिपेयरिंग है उसकी कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैं ओनर और मैंने किराए पर दिया हुआ है ठीक है तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी इन केस ऑफ इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्लॉयर वाला केस ऐसे केस में जब इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जमा करवा देगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी जमा करवाना है बिफोर द ड्यू डेट ठीक है जब भी जमा करवा देगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन फिफ्टी सेवन में यानी इंप्लॉयर को टैक्सेबल नहीं होगा पहले टैक्सेबल हो गया बट उसके बाद डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन फिफ्टी अगर उसने पैसे प्रोविडेंट फंड के ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवा दिए इन केस ऑफ इंटरेस्ट ही पढ़ रिसीव और एनहेंस कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाती है एनी अदर एक्सपेंडिचर विच बीन इंकर्ड फॉर अर्निंग सच इनकम अलाउड एज डिडक्शन कोई भी तरह का खर्चा जो आ, मैंने इनकम को पाने के लिए खर्च किया तो ऐसे केस में उस खर्चे की मुझे डिडक्शन अंडर सेक्शन सेवन मिल जाती है सेक्शन नंबर 58 है बच्चों एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन ऐसे खर्चे जिनकी डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके घर के खर्चे अपने पर्सनल खर्चों की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो कोई भी खर्चा जिसकी नॉर्मली डिडक्शन नहीं मिलती है अंडर इनकम टैक्स और आपने क्लेम कर ली है तो आपको नहीं मिलनी चाहिए समझ में आ गया इनकम टैक्स में मिलती नहीं है फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्ट या सैलरी जो आप किसको दे रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो या फिर किसी को आउटसाइड इंडिया दे रहे हो जिसमें आपने टी नहीं काटा तो अगर आपने उसका टी नहीं काटा तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे समझ में आया तो उस खर्चे की डिडक्शन हम अलाउ नहीं हो सकती क्योंकि आपने टीडीएस काटा नहीं या फिर काट के जमा नहीं करवाया सिमिलरली इन द केस ऑफ अगर हम बात करें रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने बोला थर्टी परसेंट इज डिसउड थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट अलाउड थर्टी परसेंट डिसअलाउड तो वो जो इंटरेस्ट है अगर मान लो मैंने इंटरेस्ट सैलरी रेंट कोई भी तरह का खर्चा किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया उसको देने के बाद ही मैं वो इनकम कमा पा रहा हूं जो अदर सोर्सेज वाली है तो मैं उस खर्चे को टी काटे बगैर दे देता हूं या टीडीएस काटा जमा नहीं करवाया तो ऐसे केस में मुझे थर्टी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी तो मान लो अगर मैंने किसी को कमीशन दिया था एक लाख रुपए का और मुझे टी डी काटना चाहिए था मैंने नहीं काटा तो एक लाख का सिर्फ सत्तर हजार रुपए ही मुझे डिडक्शन मिलेगी और थर्टी थाउजेंड की मुझे डिडक्शन अलाउ नहीं होगी फ्रॉम माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस समझ में आ गई बात एनी एक्सपेंडिचर विच इज पेड टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू तो भाई अगर आप किसी रिलेटिव को पैसा देते हो और वो भी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो कि उसकी वैल्यू नहीं बनती तो ऐसे केस में गवर्नमेंट uh, कहता है कि हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू तक का पैसा दे दे डिडक्शन दे, दे देंगे अनरीजनेबल अमाउंट की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे एनी एक्सपेंडिचर विच इज पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड अगर मैं किसी को दस हजार रुपए से ज्यादा कैश में पे करता हूं टू अ सिंगल पार्टी इन अ सिंगल डे तो ऐसे केस में उस खर्चे की डिडक्शन मुझे अलाउ नहीं होगी नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद कैजुअल इनकम सो अगर मेरी कोई कैजुअल इनकम है दोस्तों ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस पर कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी नहीं मिलता याद करो पर्सनल एक्सपेंसेस कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कि जिसकी डिडक्शन नॉर्मली नहीं मिलती इनकम टैक्स के अंदर जिसमें एग्जांपल ले सकते हो कि अगर ये ये बातें आप कहाँ पढ़ते हो पता है ये बातें आप पीजीबीपी में पढ़ते हो ये बातें ऑलरेडी हम पीजीबीपी में पढ़ते हैं कोई भी तरह का इंटरेस्ट सैलरी कमीशन हम पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और जिस पे टीडीएस काटना चाहिए था आपने काटा नहीं या काट लिया जमा नहीं करवाया तो आपको 100 परसेंट डसला हो जाएगा कोई भी तरह का अमाउंट अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और आपने टी डी एस काटना था काटा नहीं या काट लिया जमा नहीं करवाया तो उसका थर्टी परसेंट एक्सपेंडिचर का डिसला हो जाएगा एनी एक्सपेंडिचर विच इज पेड टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा देते हो तो जो एक्सेस अमाउंट है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर दस हजार से ज्यादा का कैश देते हो तो तो पूरी हंड्रेड परसेंट डिसला हो जाएगी इस केस में अगर मान लो हंड्रेड परसेंट डिसला हो जाएगी अगर मान लो आप बारह हजार रुपये कैश में देते हो तो पूरा बारह हजार रुपये डिसला हो जाएगा

फॉर एग्जाम्पल डेट्स रिकवर्ड बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड जब बैड डेट था तो डिडक्शन क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 57 सेवन की भाई मैं इस पर टैक्स नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पैसा मिला ही नहीं ठीक है और यही बैड डेट जब रिकवर हो गए तो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज सेक्शन 59 ये बोलता है समझ में आ गई बच्चों तो बेसिकली चार सेक्शन इसके अंदर हम लोगों ने पढ़े फिफ्टी हो गया बेसिस ऑफ चार्ज और जितनी भी इनकम्स हैं है ना जितनी भी ये जो इनकम्स हैं ये सब सेक्शन फिफ्टी सिक्स में आती हैं फिफ्टी सिक्स वन आता है बेसिस ऑफ चार्ज फिफ्टी सिक्स टू आता है कौन-कौन तो से खर्चे हैं जिसकी deduction मिल जाती है, है फिर 58, expenses not allowed as deduction, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा फिफ्टी नाइन विच इज डीम्ड प्रॉफिट्स डीम्ड प्रॉफिट्स इज दैट क्लियर टू एवरी आगे बढ़ते नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम और बच्चों क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 60 से लेकर 65 ठीक फिफ्टी नाइन तक हो गया सिक्सटी से सिक्सटी है अब क्लबिंग क्यों बनाया गया था लोग 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 टैक्स का बेनिफिट ले रहे थे लोग जान के एसेट किसी और के नाम पे करते थे क्योंकि उस एसेट से इनकम आ रही थी और अगर वो उनको मिलती तो वो टैक्स बहुत ज्यादा लग जाता क्योंकि उनकी ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा थी तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लग जाए तो ऐसे केस में वो एसेट अपने दोस्त को अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते हैं और उस पर जो इनकम है वो ताकि उनको लग जाए और बाद में उनसे रिकवर कर लिया वो पैसा

ना सेक्शन 60 क्या है सबसे पहले हम लोग वो पढ़ रहे हैं जहां प्रोविजन सारे एस के ऊपर लगते हैं सेक्शन 60 कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट सिंपल सी बात है दोस्तों अगर मैंने अपने बेटे को या बेटे को जो मेजर है ठीक है उम्र 18 साल से ज़्यादा है मैंने उसको एसेट ट्रांसफर कर दिया और उस एसेट से जो इनकम नहीं एसेट नहीं ट्रांसफर किया उस मतलब मान लो मेरे पास एक एसेट है जिसका इंटरेस्ट आता था वो इंटरेस्ट मैंने उसके नाम पर कर दिया कि इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डालो बट एसेट का अगर मालिक मैं हूँ तो वो इनकम आप ही को टैक्सेबल होगी मेरी प्रॉपर्टी का जो रेंट है मैंने टेनेंट को बोला कि मेरी वाइफ को दिया करो तो ऐसे केस में क्या वो रेंट वाइफ को टैक्सेबल होगा नहीं वो रेंट टैक्सेबल वापस लैंडलॉर्ड को ही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक आप ही हो इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन सिक्सटी आगे बढ़ते हैं सिक्सटी वन इज इनकम राइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट रिवोकेबल का मतलब होता है जब एसेट के वापस पावर्स वापस पावर्स उसी के नाम पे आ जाएं जिसने दिया था हम उसको रिवोक कहते हैं रिवोक कर सकते हैं सो ऑल द इनकम्स अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर तो ट्रांसफरर के हाथ में आ जाएगा अब नाउ अगर मैंने कोई ऐसा एसेट दिया जिसको जिसके राइट्स मैं वापस रिवोक कर सकता हूं अपने नाम पे यानी मेरे नाम पे ही आ सकता है दोबारा तो ऐसे केस में वो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो वापस मुझे टैक्सेबल होगी सर रिवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है ये बात सेक्शन सिक्सटी में लिखी है और सेक्शन सिक्सटी कहता है वैन प्रोविजन फॉर री ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफर जब भी अगर री ट्रांसफर के राइट्स अगर री ट्रांसफर के राइट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहे थोड़ी सी इनकम के चाहे पार्ट ऑफ द इनकम के किसके पास रहते हैं ट्रांसफरर के पास रहते हैं तो ऐसे केस में हम इसको रेवोकेबल ट्रांसफर मानते हैं हम इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है अगर मैंने अपना एक एसेट अपने दोस्त के नाम पे कर दिया एक एसेट मैंने अपने दोस्त के नाम पे कर दिया मिस्टर वाई के नाम पे जो मैं हूँ मिस्टर एक्स और मैंने उसको बोला कि भाई इस एसेट पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो इंटरेस्ट तू मुझे देता रही हो इंटरेस्ट का रेट मान लो एट द रेट ऑफ फोर परसेंट जो है मुझे दे दियो बाकी तू कमा तो मान लो इंटरेस्ट अगर वो टोटल दस परसेंट कमा रहा है तो चार परसेंट वो अभी भी आपके नाम पे देता है ऐसे केस में जब चार परसेंट वो आपके नाम पे देता है मतलब यू हैव अ राइट कि आप उस पर इंटरेस्ट कमा पा रहे हो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए इसका मतलब अगर वो इंटरेस्ट देना बंद कर देगा तो आप क्या कर सकते हो उस एसेट को वापस अपने नाम पर क्लेम कर सकते हो सो वैन देयर इज अ प्रोविजन वेन देयर इज अ प्रोविजन

तो गवर्नमेंट ने क्या बोला क्या गवर्नमेंट ने बोला पूरे जो इंटरेस्ट है ना उस एसेट का वो सारा का सारा तेरे को ही क्लब हो जाएगा क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है समझ में आ गई बात रिवोकेबल ट्रांसफर दूसरा तरीका क्या हो सकता है हैज अ राइट टू द पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट अगर उस बंदे के जिसको मैंने एसेट दिया उसके जीते जी अगर राइट मेरे पास रहेगा उस एसेट का कि भाई राइट होल्डर मैं ही हूं मैं ही बेचूंगा उसको कल को बेचूंगा तो

ट्रांसफरर uh, री कर सकता है तो ऐसे केस में उस एसेट से जितनी भी इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के इनकम में समझ में आ गई बात क्लबिंग प्रोविजन ऑफ दिन अपलाइडिट ऑफ द ट्रांसफर तो अगर एक पार्ट ऑफ द इनकम भी अगर मेरे नाम पर आ रही है ना तब भी मेरे पूरी इनकम वंस द ट्रांसफर इज रेवोकेबल द इंटायर इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर्ड एसेट इज इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर जिसका मैंने अभी आपको एक्साम्पल दिया समझ में आ गई बात एक्सेप्शन टू सेक्शन 63 यानी रेवोकेबल ट्रांसफर का भी एक्सेप्शन विच इज इन रेवोकेबल रेवोकेबल कब होगा भाई अगर मैंने एसेट के पावर्स रीएज्यूम कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ रीएज्यूम कर सकता हूं बट नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसकी डेथ होने के बाद मतलब अगर मैंने एसेट ट्रांसफर ने एसेट ट्रांसफरी को दे दिया है ट्रांसफरी को दे दिया है और ये एसेट के जो राइट हैं वो ट्रांसफर के पास

जब इनकम टैक्स एक्ट आया ही नहीं था इनकम टैक्स एक्ट आने से पहले अगर अगर ट्रांसफर किया गया, तो ऐसे केस में अगर हम लोगों ने साल तक उसको रिवोक नहीं करने का राइट रखा है, कि अगर मेरे पास नहीं कर सकता रिवोक नहीं कर सकता हूँ ठीक है इसको इ ट्रांसफर ट्रांसफर छे साल से ज्यादा मतलब, तो का अगर अगर आपने किसी को राइट दे दिया सात साल आठ साल दस साल बीस साल पचास साल तो ऐसे केस में हम उसको इेवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे समझ में आ गई बात सो बेसिकली एक ट्रांसफर ने ट्रांसफ्री को एसेट दे दिया बिफोर वन बिफोर वन फोर सिक्सटी वन ठीक है बिफोर वन फोर सिक्सटी वन बिफोर ठीक है और ऐसे केस में जब ये एसेट दे दिया ट्रांसफरी को ये एसेट जो ट्रांसफरी को एसेट दे दिया है तो ऐसे केस में जो उस एसेट से इनकम हो रही है वो क्या क्लब होगी यहां पर ये बात हो रही है पर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि अगर ट्रांसफरर के पास ये एसेट मैंने मान लो करीब दस साल के लिए दे दिया है कितने सालों के लिए दे दिया दस साल ट्रांसफर ने लिखकर दे दिया कि भैया दस साल तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा तो ऐसे केस में उस एसेट से जितनी भी इनकम होगी वो ट्रांसफरी को ही टैक्सेबल होगी ये इेवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा दो बातें हैं इेवोकेबल ट्रांसफर की पहला अगर ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी ठीक है बट अगर एसेट वन फोर नाइनटीन सिक्सटी वन से पहले दिया गया और वो छह साल से ज्यादा के लिए दिया गया ठीक है छह साल से ज्यादा के लिए दिया गया और उसको रिवोक नहीं कर सकता हूं मैं छह साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के अंदर तो ऐसे केस में मैं उसको इ रेवोकेबल बोलूंगा और इरेवोकेबल होगा तो क्या होगा इन ऑल द दब केसेज द इनकम फ्रॉम सच एसेट शेड नॉट बी क्लब्ड एंड विल बी टैक्सेबल टू ट्रांसफरी ऑनली ऐसे केस में ट्रांसफरी को ही इनकम टैक्सेबल हो जाएगी समझ में आ गई बात

और मेरी वाइफ वहां पे जॉब कर रही है तो जॉब की जो सैलरी इनकम होगी वो सैलरी इनकम मेरे ही इनकम में जाके क्लब हो जाएगी देखता इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑल सच इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल बाय वे ऑफ सैलरी कमीशन फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेमरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज अ हैजस्टैशियल इंटरेस्ट शेल भी इंक्लूडेड और सब्सटैंडल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा की ओनरशिप

और एनी अदर कंसर्न या तो ट्वेंटी परसेंट कंपनी का हो सकता है या फिर ऑब्वियसली कोई और कंसर्न मतलब फर्म एल पी वगैरह कुछ भी और पार्टली बाय सच अदर पर्सन कोई और पर्सन भी हो सकता है और उसको मिला के भी ट्वेंटी परसेंट हो सकता है वो दैट सच बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर रिलेटिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स के पास कंपनी के सिर्फ टेन परसेंट शेयर्स हैं और मिस्टर एक्स की मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है भाई जो भाई है उसके पास कंपनी के टेन परसेंट शेयर मिला के कितने हो जाते हैं ट्वेंटी परसेंट ओनरशिप यह मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स जो है सब्सटैंशल इंटरेस्ट ओनर है इसी तरीके से एग्जाम्पल में ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी में सिर्फ दो परसेंट मालिक है बट मिसेस नहीं मिसेस नहीं मान लो मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है यहां लिख लेता हूं ब्रदर ये ब्रदर जो है वो पांच परसेंट मालिक है फादर जो है उसका वो सात परसेंट मालिक है मदर भी उसकी मालकिन है करीब पांच परसेंट की तो अब यहाँ पर सात पांच बारह पांच सत्रह अच्छा और एक और ले, ले लेते हैं सिस्टर सिस्टर भी है और उसके पास भी करीब चार परसेंट ओनरशिप राइट्स हैं, अब मैं अगर टोटल करूं वैसे तो देखो ट्वेंटी परसेंट ओनरशिप नहीं है बट पांच सात बारह पांच सत्रह चार इक्कीस और दो तेईस ऐसे केस में मिस्टर एक्स सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनर माना जाएगा और जो स्पाउस है उसकी अगर वो वहां पे जॉब करती है यानी एक्स जॉब करती है तो ऐसे केस में जो भी सैलरी इनकम होगी वो क्लब होगी समझ में आ गई बात सर क्लबिंग प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा जब अगर आपके जो स्पाउस हैं वो अपनी जो रेमुनरेशन रिसीव कर रही हैं वो अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही है तो ऐसे केस में इनकम क्लब नहीं होगी अगला एक नोट है जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर दोनों ही, दोनों ही दोनों को मिला के हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है दोनों को मिला के मान लो ट्वेंटी माने जाएंगे ऐसे केस में द एग्रीगेट रेमुनरेशन शेल बी क्लब्ड इन द स्पाउस इन दैट स्पाउस इनकम इज ऑलरेडी हायर सो अगर मान लो मिस्टर एक्स भी कंपनी में टेन परसेंट मालिक है मिसेज एक्स भी कंपनी में टेन परसेंट मालिक है और मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है बच्चों मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है आठ लाख रुपए की और मिसेस एक्स को मिलती है छह लाख रुपए की उस कंपनी से है ना दोनों का सबस्टैंशल इंटरेस्ट होना है अब कह रहे हैं हम लोग इन दोनों इनकम को यानी चौदह लाख रुपए को उसकी इनकम में क्लब कर देंगे जिसकी ऑलरेडी हायर इनकम होगी सो मान लो ऑलरेडी हायर इनकम में मिस्टर एक्स की दस लाख रुपए की इनकम है और मिसेज एक्स की बीस लाख रुपए की इनकम है तो ये जो आठ और छः है चौदह लाख रुपए में जाएगा जिसकी ऑलरेडी हायर इनकम होगी तो हो हो वो कितनी होगी बताओ छठ चौदह सैलरी इनकम सैलरी हो जाएगी चौदह लाख और अदर सोर्सेज हो जाएगा बीस लाख टोटल हो जाएगा थर्टी फोर लाख अच्छा एक बात और ध्यान रखना जब आप ये सैलरी इनकम को क्लब करने जाओगे ना किसी एक हेड में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ एक ही मिलेगी मतलब वो पचास हजार की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो दो दो नहीं मिलेंगी वो मिस्टर एक्स का पचास हजार की नहीं मिलेगी ठीक है तो एक की मिलेगी जिसकी इनकम में क्लब हो रहा है वहीं पर जाकर हजार ने पढ़ा था अब पढ़ रहे सेक्शन सिक्सटी फोर सबसे इनकम अराइजिंग टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो अगर मैंने कोई एसेट गिफ्ट कर दिया है अपनी वाइफ को तो ऐसे केस में उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो क्लब होगी ट्रांसफरर के हेड में ये बात तो आप लोग जानते हैं ये बात अदर देन हाउस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है हाउस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हम लोग सेक्शन 27 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो वेयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देन एनी इनकम राइजिंग टू ट्रांसफरी ट्रांसफ्री फ्रॉम सच एसेट शेल बलब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ठीक है इसी का एक्सेप्शन क्या हो सकता है डायवोर्स केस यही बात हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सेक्शन ट्वेंटी सेवन में भी पढ़ी थी इनकम फ्रॉम ए ऑफ द ट्रांसफर एसेट इज नॉट टू बी क्लब्ड इनकम फ्रॉम एक्शन ये होता है कि मान लो मैंने एक एसेट मान लो मैंने दस लाख रुपए अपनी वाइफ को दे दिए वाइफ ने आगे उस दस लाख रुपए को एक इन्वेस्ट कर दिया ठीक है किसी के शेयर्स खरीद लिए और शेयर से वो डिविडेंड वो शेयर से मान लो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम कमा रही है अब ये जो डिविडेंड इनकम है वो तो हस्बैंड की इनकम में क्लब होगा बट अगर डिविडेंड इनकम से डिविडेंड इनकम को भी आगे इन्वेस्ट कर दे और उस इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न कमाए तो वो क्लब नहीं होगा फिर से समझते हैं फिर से समझते हैं कुछ इस तरीके से एक मिनट थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई मैं कुछ इस तरीके से बताता हूं ये मान लो कि एक एसेट जो है मैंने अपनी वाइफ को दे दिया वाइफ को जो, जो एसेट दिया वाइफ ने उसको इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्ट करने के बाद उसको मिला कुछ रिटर्न इंटरेस्ट मिला मान लो और ये जो इंटरेस्ट है ये तो हस्बैंड की इनकम में क्लब होगा इसमें कोई डाउट नहीं है बट ये जो इंटरेस्ट है ये भी आगे उसने इन्वेस्ट कर दिया ये भी आगे उसने इन्वेस्ट कर दिया और इस पर भी कुछ रिटर्न कमा रही है तो ये रिटर्न जो इनकम है ये क्लब नहीं होगा लिखा है ना इनकम फ्रॉम ए क्रिएशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट टू बी क्लब हाउ एवर इनकम अर्न बाई इन्वेस्टिंग सच इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट कैनॉट बी क्लब्ड तो यह बात लिख दी गई है कि कैनॉट बी क्लब इनकम जो ट्रांसफर्ड एसेट से मिलेगा उसको क्लब नहीं होगा ये, ये वही है ट्रांसफर्ड एसेट से जो इनकम आई उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस पर जो इनकम आ रही है यह क्लब नहीं होगा नॉट टू बी क्लब्ड नॉट टू बी क्लब्ड इसको क्लब नहीं करेंगे समझ तो में आगे बात

एसेट एज ऑन बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस इिवाइडेड बाई द टोटल कैपिटल मेरे पास एक एसेट जो है वो दस लाख रुपए का था मैंने अपनी वाइफ को दे दिया वाइफ ने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ठीक है और उस बिजनेस की जो इस साल की इनकम है उस बिजनेस की जो इनकम है वो करीब बीस लाख रुपए आई है, अब इस बीस का करना है। और हस्बैंड जो जो ने एसेट so, कितने का दिया दस लाख डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल मान लो पहले तीस लाख रुपए का कैपिटल था दस लाख एड होने के बाद चालीस लाख हो गया तो so, दस डिवाइडेड बाई चालीस यानी वन बाई फोर ऑफ ट्वेंटी लाख पांच लाख रुपए जो है ना वो इनकम क्लब हो जाएगी किसके नाम पर मिस्टर एक्स के नाम पर यानी हस्बैंड के नाम पर पांच लाख रुपए समझ में आ गई बात अच्छा एक बात का और ध्यान रखना है मैंने यहां पे क्लियरली लिखा है वैल्यू ऑफ ऑफ एसेट एज ऑन फर्स्ट डे द प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में ही होगा यानी अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट दे दिया तो इस साल कुछ नहीं करेंगे क्लबिंग होगी अगले साल से समझ में आ गई बात क्लबिंग होगी नेक्स्ट ईयर से क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही देखना है और टोटल कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही देखना है

सिर्फ वही वाली बात है कि मतलब अगर एसेट मैंने अपनी सन्स वाइफ को दे दिया और उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो क्लब होगी वापस ट्रांसफरर के नाम पर ये बात सही है दूसरा अगर उसने कुछ इनकम कमाई फ्रॉम द एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर एसेट ठीक है तो उस केस में वो इनकम पे टैक्सेबिलिटी वो ही देगी मैं नहीं दूंगा तीसरा ये हो सकता है कि अगर उस एसेट को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में प्रपोर्शनेटली इनकम क्लब मेरे को भी होगी समझ में आ गई बात ये बिल्कुल वैसी प्रोविजन जैसे स्पाउस को लग रहे हैं वैसे ही सन्स वाइफ को लग रहे हैं 64.17 जो है वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एनी पर्सन फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द स्पाउस अगर मान लो मैंने एसेट जो है स्पाउस को ना देकर मैंने स्पाउस जहां पर पार्टनरशिप फर्म में काम करती है जिस पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है मैं वहां पर अगर वो एसेट दे दूं ठीक है तो ऐसे केस में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट आप किसको दे रहे हो स्पाउस को दे रहे हो ये माना जाएगा तो ऐसे केस में वो एसेट से जो भी इनकम होगी वो क्लब वापस ट्रांसफरर को होगी सेक्शन 64 one, कहता है कि अगर मैंने एसेट अब किसी पर्सन को दे दिया जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट को मिल रहा है तो अगेन उस एसेट से जितनी भी इनकम होगी वो क्लब ट्रांसफर के हाथ में होगी समझ में आ गई बात सेक्शन सिक्सटी भी हो गया तो भाई सिक्सटी फोर वन टू टू सिक्स सेवन और एट ऐसे है। ठीक है जी नेक्स्ट सेक्शन 64 फोर वन ए विच इज क्लबिंग इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड सो अगर माइनर चाइल्ड की इनकम की बात करें माइनर चाइल्ड जो बच्चा 18 साल से कम का होता है अगर वो माइनर चाइल्ड इनकम कमा रहा है तो गवर्नमेंट कहता है वो इनकम क्लब होगी किसके इनकम में पेरेंट्स के इनकम में और अच्छा कौन से पेरेंट्स जिसकी पेरेंट्स की ऑलरेडी हायर इंगम होगी गवर्नमेंट इतना चला के पेरेंट्स जिसकी ऑलरेडी हायर इनकम होगी उसी की इनकम में जाके क्लब कर देंगे क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा मिलेगा समझ में आ गई बात अच्छा एक बात का और ध्यान देना है आपको एग्जेम्पन मिलेगी पंद्रह सौ रुपए पर एनम पर चाइल्ड एक सा एक बच्चे की पंद्रह सौ रुपए सालाना आपको एग्जेम्पन मिल जाएगी अंडर सेक्शन टेन थर्टी टू यहां पर एग्जेम्पन मिलती है सेक्शन टेन थर्टी टू में सेक्शन टेन थर्टी टू ठीक है इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पन मिल जाएगी और दैट्स इट बट हा माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी होगी

ना इसके नीचे एक ये बात लिख दी है क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट इवन इन ऑफ इवन इन ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर अगर माइनर मैरिड डॉटर भी है तो भी ये इनकम वापस क्लब ट्रांसफर के नाम पर ही होगी सो so, ये माइनर है तो ऐसा ही होगा चाहे वो माइनर मैरिड डॉटर ही क्यों रहा हूं समझ में आ गई बात नेक्स्ट सेक्शन सिक्सटी फोर टू इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वाइर्ड प्रॉपर्टी टू द प्रॉपर्टी ऑफ एच ओ एफ मान लो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मेंबर हूँ मैं और मैं एक मेबर की वजह से मैं अपनी एक प्रॉपर्टी एच ओ एफ के नाम कर रहा हूँ सो so, मेंबर अगर एच के नाम पे प्रॉपर्टी करता है तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में आपके नाम पर ही वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी और प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो एच हो के नाम टैक्सेबल नहीं होगी आप ही के नाम पर टैक्सेबल होगी तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बी इन द द हैंड्स ऑफ ऑफ हैज वेयर कन्वर्टेड अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी के टुकड़े हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा आपके स्पाउस को मिलता है तो उस स्पाउस से जो इनकम हो रही है उस उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है जो स्पाउस को मिल रहा है ठीक है उस पाउस की जो इनकम है वहां पर वो इनकम जो भी हो रही होगी वो वापस क्लब आप ही के नाम पे हो जाएगी ठीक है क्योंकि ये मान लिया जाएगा विल बी डीम्ड टू अराइज टू स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्ट इनडायरेक्टली फॉर द इंडिविजुअल टू स्पाउस मतलब एक आ, आ, अगर मैं वहां पे आ, अगर मैं एक मेंबर हूं और मेंबर हूं और मैंने एक प्रॉपर्टी जो है मान लो मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी एच के नाम पर कर दी एच यू एफ के प्रॉपर्टी के हो गए टुकड़े टुकड़े होने के बाद एक टुकड़ा मुझे भी मिला और उस एच यू एफ प्रॉपर्टी वाले से प्रॉपर्टी के कोई इनकम आती थी वो जो है वो इनकम प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जब मुझे मिला तो वो जो इंटरेस्ट उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो इनकम मेरी ही वाइफ के नाम पर क्लब हो जाएगी समझ में आ गई बात क्योंकि एक्चुअल में ना इसके एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन है पार्टीशन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के या प्रॉपर्टी के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो प्रॉपर्टी मैंने दी थी वो हिंदू फैमिली के टुकड़े हो जाते हैं पार्टीशन हो जाते हैं और या फिर प्रॉपर्टी के पार्टीशन हो जाते हैं तो ऐसे केस में सबको एक एक हिस्सा मिलता है ठीक है सबको एक एक हिस्सा मिलेगा तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो इनकम जो अगर उसको उसमें स्पाउस को उसको मिल रही होगी और जो कि एच ओ एफ की मेम्बर है स्पाउस तो ऐसे केस में उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो क्लब वापस ट्रांसफर के नाम पर ही चली जाएगी

आ, अगर हम लोग टैक्स ट्रांसफरर से नहीं रिकवर कर पा रहे तो हम लोग टैक्स किससे रिकवर करेंगे ट्रांसफरी से सेक्शन 65 तो भाई अगर हम लोग देखें तो सेक्शंस हम लोगों ने क्या क्या कर लिए है इसके अंदर हमने 60 से लेकर 65 कर लिया अच्छा एक और केस रह गया क्रॉस ट्रांसफर जो मैं आपको करवाना चाहता हूं वो भी डिस्कस कर लेते हैं याद है इसमें एक केस पढ़ते थे क्रॉस ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक एसेट दूसरे पार्टी को दे दिया गया और दूसरी पार्टी ने दूसरी पार्टी मतलब मान देखो गवर्नमेंट ने कहा कि आप एसेट अपनी वाइफ को नहीं दे सकते ठीक है वाइफ को नहीं दे सकता ना मैं अपने भाई की वाइफ को तो दे सकता हूँ मतलब मैं अपनी भाभी को दे सकता हूँ तो लोग क्या करने लग गए कि अपनी भाभी को दे दिया एसेट और वही एसेट ऐसा ही सिमिलर एसेट अपने मेरे जो मेरा ब्रदर है उसने मेरी वाइफ को दे दिया ऐसे केस में क्या होगा जो उस इससे इनकम होगी वो इनकम जो है अपने टैक्स बचाने के लिए जो आप अपने इस फाउस को करना चाहते थे बट वो क्लब हो रही थी अब जो है अगर आपने भाभीियों को कर दिया तो ऐसे केस में उस एसेट से जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं अब आपने लूपोल का फायदा उठा लिया आपने टैक्स अवॉइड कर लिया टैक्स की अवॉइडेंस uh, करने की कोशिश करी लूप होल्स का एडवांटेज लिया ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है अगर आप टैक्स की चोरी करना चाहते हो टैक्स को चोरी कर रहे हो इवेड कर रहे हो आप तो बेसिकली हम आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे ना यहाँ पर आ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई जजमेंट नहीं दी थी मतलब 1967 से पहले की बात करें तो केशव जी मोराजी का एक केस था सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मोराजी 1967 में केस हुआ और उन्होंने वहाँ पे ये बात क्लियरली कह दी कि अगर ऐसा होगा तो वो जो इनकम उस आ, आ, मतलब अगर मैंने ऑब्वियसली अपने ब्रदर की वाइफ को दिया तो उस एसेट से जो इनकम हो रही होगी वो इनकम मेरे ब्रदर को क्लब हो जाएगी और जो मेरी वाइफ को इनकम मिल रही है उस एसेट से जो मेरे ब्रदर ने दी थी उस एसेट से जो इनकम होगी वो मुझे क्लब हो जाएगी दिस इज क्रॉस ट्रांसफर लिखना क्या होगा द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सी आई टी वर्सेज केशव जी मोराजी ऑब्जर्व दैट इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड एंड आर पार्ट ऑफ द सेम इन से वे दैट इट कैन बी सेट दैट सर्कटिस मेथड वॉज एडॉप्टेड टू इवे टैक्स द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड

Uh, ये हो गया सेक्शन सिक्सटी ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ठीक है सेक्शन सिक्सटी वन क्या था सेक्शन सिक्सटी वन क्या था रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ इनकम या रेवोकेबल ट्रांसफर

सेक्शन सिक्सटी फोर वन फोर हो गया एसेट टू स्पाउस एसेट टू स्पाउस सेक्शन सिक्सटी फोर वन सिक्स हो गया एसेट टू सन्स वाइफ एसेट टू सन्स वाइफ सिक्सटी फोर वन सेवन हो गया एसेट टू एनी पर्सन एसेट टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस सिक्सटी फोर वन एट हो गया एसेट टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ सिक्सटी फोर वन ए हो गया क्लबिंग इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड ठीक है जी और सिक्सटी फोर टू हो गया कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एच यू एफ इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिक्सटी फाइव हो गया लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफ्री लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफ्री समझ में आ गई बात तो ये हो गए हमारे सारे सेक्शंस कवर्ड नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो करते हैं स्टार्ट कुछ भी नहीं है बहुत ही आसान है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तीन स्टेप्स में हम लोगों ने सेट ऑफ करने होते हैं स्टेप वन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट स्टेप टू इंटर हेड एडजस्टमेंट स्टेप थ्री कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ठीक है सबसे पहले हमें विद इन द हेड एडजस्ट करने की कोशिश करनी है विद इन द हेड अगर बच जाए लॉस तो हम लोगों ने आउटसाइड द हेड जाना है दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करना है और फिर इसके बाद अगर फिर भी बच जाए लॉस तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है

ठीक है अब किसी भी हेड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट कुछ एक्सेप्शन है अब कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस जो एक हेड है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेटअप हो सकता है बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जा सकता है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ वो नहीं जा सकता तो ये एक एक्सेप्शन हो गया जहां पर वो कह रहा है कि किसी भी हेड के साथ हेड के अंदर जो है आपस में एडजस्ट करवा दो नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जा सकता है स्पेक्युलेशन बिजनेस लॉस सट्टा बाजारी याद है स्पेकुलेशन सट्टा बाजारी पे आप आपके हाथ में एसेट आता नहीं है ऑनलाइन ही एसेट को बेच देते हो जैसे हम लोग इक्विटी के शेयर्स के केस में कहते हैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन करते हैं जो लोग स्पेक्यूलेशन लॉस है वो ऐसे केस में जो स्पेकुलेशन लॉस होता है ना उस लॉस को हम स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनके खिलाफ है हाउ अगर मेरे पास कोई और बिजनेस लॉस है तो मैं स्पेकुलेशन इनकम के साथ सेट ऑफ जरूर कर सकता हूँ बट स्पेकुलेशन लॉस को मैं दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही कर सकता लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज ये अलग चीज है विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेज अलग चीज है बच्चे गलती कर देते हैं ध्यान रखना रेस हॉर्सेज मेंटेन करना ओन करना ये अलग एक्टिविटी है विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेज अलग चीज है विनिंग इज अ कैजुअल इनकम विनिंग इज अ कैजुअल इनकम जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स वाली एक्टिविटी है उसमें अगर लॉस हो गया तो वो सिर्फ उसी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है इनकम फ्रॉम सेम एक्टिविटी लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन थर्टी फाइव एडी जो स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन थर्टी फाइव एडी में पढ़ते थे वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है वो तो बिजनेस नहीं पड़ते थे चौदह पंद्रह बिजनेस लॉस अंडर कैजुअल हेड कैजुअल हेड का लॉस जो है वो क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल कोई भी तरह का कैजुअल हेड हो गया विनिंग और वो सब चीजें बेटिंग वगैरह और उसमें अगर आपको नुकसान हो गया तो क्या आपको सेट ऑफ कर सकते हो नहीं कर पाओगे कैन नॉट बी सेट ऑफ इवन विद द इनकम ऑफ सेम नेचर अपनी इनकम के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हाउ एवर लॉसेज ऑफ द अदर बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद अच्छा ये बात सॉरी इस ये वाली बात यहां पर आएगी कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो आप स्पेसिफाइड बिज़नेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ़ कर सकते हो बट हाँ किसी और बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ़ कर सकते हो ये बातें समझ में आती है ये है सेक्शन 70, विच इज़ अबाउट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट यानी विद इन द हेड एडजस्ट करने की कोशिश करो पहले अपनों से बात करो कि वो एडजस्ट करेंगे फिर हम दूसरों से बात करेंगे दूसरे आ गए सेक्शन 71, वन विच इज़ इंटर हेड एडजस्टमेंट कई बार इंटर हेड मतलब दोस्त दूसरे जो लोग हैं वो अपनों से ज़्यादा काम आ जाते हैं कई बार ऐसा होता है

ठीक है नेक्स्ट बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी बिजनेस लॉस सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता थर्ड हाउस ऑपरटी का जो लॉस है वो दो लाख रुपए तक की इनकम के साथ हाउस ऑपरटी इनकम की हाउस ऑपरटी लॉस जो है वो किसी भी और हेड के साथ अगर आप सेट ऑफ करना चाहो तो मैक्सिमम दो लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं कर सकते हाउस ऑफर्टी इनकम के साथ जितना मर्जी सेट ऑफ करो बट अगर आप किसी और हेड के साथ सेट ऑफ करते हो तो आप मैक्सीम दो लाख रुपए कर सकते हो समझ में आ गई बात तो ये दो तीन एक्सेप्शन है जो आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट में पता होनी चाहिए नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ गया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको बताया जाता है कि अगर house का अगर आपको loss है, अगर house का का आपको है, है, आपका ठीक है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है? एट ईयर्स कोई डाउट है यहां पर समझ में आ गया ये ये कैरी फॉरवर्ड के वक्त की बात कर रहा है

स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है और इसका कैरी फॉर पीरियड है चार साल ये गंदे लॉस है इसको ना गंदे लॉस से याद करो तो आपको याद रहेगा ये चार साल है गंदे लॉस ये भी है और नीचे आपको लॉस लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज मिलेगा यहाँ पे भी चार साल कैजुअल हेड में तो औकात ही नहीं दी उनकी तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया कह रहे सेट ऑफ ही नहीं हो सकता तो कैरी फॉरवर्ड करके क्या करोगे नथिंग सो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसन की अगर हम बात करें तो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जो हम लोग सेक्शन थर्टी टू सेक्शन 32 टू टू के अंदर पढ़ते हैं पीजीबीपी चैप्टर के अंदर अनएब्जॉर्ब डेप्रेशन कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी ठीक है और इसको कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनाइट के लिए कर सकते हैं अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो हम लोग सेक्शन थर्टी पढ़ते हैं उसके अंदर हंड्रेड कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है तो आप हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन लेते हो और प्रॉफिट अगर मान लो इनकम नहीं है खर्चे आपके बहुत ज्यादा है तो अनएब्जॉर्ब रह जाता है उस अनएबजॉर्ब को आप सेट ऑफ कर सकते हो विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी इनकम ठीक है और अगेन कैरी फॉर्वर पीरियड इनडेफिनाइट है

और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जा सकता है कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है आठ साल स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इकम किया जा सकता है इनडेफिनट पीरियड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड पीरियड चार साल गंदे इनकम गंदे लॉस है अनएबजॉर्ड डिप्रेशन कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी और इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड जो है वो इडेफिनिट है अनएब्जॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका भी यहाँ पर यही है कैरी फॉरवर्ड पीरियड इंडेफिनट है अदर बिजनेस लॉस किसी भी बिजनेस uh, इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो चाहे वो स्पेकुलेशन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैरी फॉरवर्ड पीरियड आठ साल है लॉस फ्रामिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स सिर्फ इसी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो और इसका कैफोर पीरियड चार साल है कैजुअल हेड लॉस है वो तो इवन अपने ही इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता अब जब आप ये क्वेश्चन करते हो इनको करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो एग्जेम सोर्स लॉस का लॉस फ्रॉम एग्जेम सोर्स ऑफ इनकम जो होती है लॉस फ्रॉम मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं लॉस फ्रॉम आप लोग भी लिखो जो लॉस फ्रॉम एग्जेम सोर्स ऑफ इनकम होती है एग्जेम्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है जैसे एग्रीकल्चर ठीक है कोई भी जो एग्जेम सोर्स है जैसे कि शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो एग्जेमट होता है ना और अगर उसमें लॉस हो जाए तो सो लॉस ऑफ एग्जेम सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम सोर्स ऑफ इनकम कैनॉट बी सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ सो भाई अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम फॉर्म ठीक है ऐसे केस में जो लॉस अगर हो जाए वहां पर तो लॉस को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता बट प्रॉफिट क्योंकि एग्जेंट होता है क्योंकि एक्जेंट होता है क्योंकि फर्म उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर देती है याद आ रहा है आप लोगों को तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है इस नोट के साथ और इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आप इसी के अंदर कर लोगे कि एग्रीकल्चर इनकम एक्जेंट होती है ठीक है बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर क्वेश्चन करते वक्त और एक और बातें होती हैं वो जो पहले होता था क्या होता था पहले कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं पहले नहीं होता था वो अभी भी होता है बट वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू ए वाला केस अगर है ठीक है देन इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ओवर एंड अबव रुपीज वन लाख बेटा याद आ रहा है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर एक लाख रुपए से ये वाले सेक्शन में अगर एक लाख रुपए से ज्यादा आता है तो एक लाख रुपए से जो भी ऊपर अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है बट लॉस अंडर दिस सेक्शन कैन बी सेट ऑफ कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब वो नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है वही बात मैंने पे लिख दी समझ में आ गई बात बाकी और कोई कंफ्यूजन है नहीं सिर्फ यही एक दो बातें होती हैं जो इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत हो दैट्स इट दैट्स इट थैंक यू बच्चों और आई होप आपको वीडियो पसंद में आई होगी और अगर आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ स्टेटस पे डालेंगे ताकि उन लोगों को भी ये हेल्प मिल सके और अगर आपको ऑब्वियसली इसका पी चाहिए तो ये पी जो है आपको कहाँ मिलेगा इसका टेलीग्राम चैनल पर जिसका वीडियो जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा ठीक है जी थैंक यू बच्चों बाय बाय अगली वीडियो अगली जो रिवीजन होगी वो होगा इनकम टैक्स रिवीजन फाइव विच इज ऑफ पीजीबीपी चैप्टर बड़ा खतरनाक बड़ा मजेदार समझ में आ गई बात थैंक यू बच्चों आज के लिए इतना ही बाय बाय